हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय व जीवन परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे और उनकी रचनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और ये आपके लिए भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट साहित्य जीवन परिचय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय आपको इसमें लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था, 1889 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। तो आपको इन चीज़ों को आपको पता लगना काफ़ी ज़रूरी है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था और कहां पर हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और गणनीय व्यक्ति थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम है, बाबू देवी प्रसाद। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। और जो जयशंकर जी प्रसाद जी थे, उनकी जो प्रारंभिक कक्षा या शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी, वो घर पर ही इन्होंने की थी। तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद ने अपने बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर भी, माता पिता की मृत्यु हो जाने पर भी परिवार का उसने अपना दायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्ण भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा अवस्था में उनकी पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से विपत्तियों का उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनके अलावा इनके परिवार में और कोई नहीं था कि कोई भी परिवार को संभाल सके। पूरा बोझ इसके ऊपर ही आ गया था। अंत ये 6 रोग से ग्रस्त हो गए और 14 नवंबर सन 1937 में 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई। तो कब हुई, 14 नवंबर सन 1937 में 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए। अब हम बात करते हैं छेप चित्र से बात करते हैं। इसका नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, रचनाएं चंद्रगुप्त, झरना, कामायनी, मृत्यु सन 1937। और इनकी रचनाएं की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रचनाएं चंद्रगुप्त, कामायनी, झरना, द्रुस्वामिनी आदि इनकी क्या, ये सभी क्या इनकी रचना हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।